आज किचनेट में फिर से आपका स्वागत है। आलू गोभी की सब्जी तो आपने बहुत खाए होंगे, पर क्या आलू गोभी मंचूरियन खाया है? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी क्रंची मंची गोभी आलू मंचूरियन। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गोभी पोटैटो मंचूरियन बनाने के लिए मैंने एक गोभी लिया है, एक छोटा गोभी लिया है। इसके फ्लोरेट्स को मैंने तोड़ लिया है और इसे गर्म पानी में एक मिनट के लिए उबाल लिए हैं। और साथ में इसमें मिक्स करेंगे पोटैटो। पोटैटो को भी मैंने इस तरह से लंबे लंबे काट लिए हैं और इसे भी गर्म पानी में एक मिनट के लिए बॉईल किया है। ये मैदा है, ये कॉर्नफ्लावर, नमक, थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड अनियन, प्याज है जिसे मैंने बारीक काट कर रखा है, ये लहसुन है इसके भी बारीक बारीक टुकड़े कर लिए हैं, अदरक को भी बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च है इसे भी मैंने फाइनली चॉप किया है, और थोड़े से हरी मिर्च को मैंने बड़ा बड़ा स्लिट करके रखा है जो कि बहुत तीखी वाली मिर्च नहीं होती है, और ये टोमेटो सॉस, सोया सॉस और रेड चिली सॉस। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू ये पैन को मैंने स्टोव पे रखा, गैस स्टोव पे, और इसमें करीब 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को इस तरह से फैलाते हुए डालना है और जब पैन ये गर्म हो जाए तो इसमें सबसे पहले ये जो अनियन को हमने फाइनली चॉप करके रखा है इसे डालेंगे। इसके साथ ही इसमें जो फाइनली चॉप प्याज है उसे भी डाल देंगे। साथ ही ये अदरक और ये हरी मिर्च, ये जो स्लिट करके हरी मिर्च हमने रखा है इसे बाद में डालेंगे, और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सौते कर लेंगे। गार्लिक, जिंजर, अनियन एंड हरी मिर्च चारों चीज़ों को मिक्स करके मैं भून रही हूँ। तो मैंने चारों चीज़ों को भून लिया, बस इतना ही भूनना है कि इसका कच्चापन चला जाए, इसे बहुत ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें सारे सॉसेज ऐड करेंगे। पहले इसमें 2 छोटे चम्मच सोया सॉस डालेंगे और इसे इस तरह से चला लेंगे। फिर इसमें इसी चम्मच से 4 चम्मच टोमेटो सॉस डालेंगे। और इसी चम्मच से फिर 2 चम्मच चिली सॉस। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि नमक मैंने गोभी में भी डाला है, इसके बैटर में भी डाला है, इसलिए इसमें मैं 1/2 चम्मच ही नमक डाल दूँगी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये कितना प्यारा सा कलर आ गया। इसको थिक करने के लिए हम लोग कॉर्नफ्लावर का स्लरी बना के उसे डालेंगे। मैंने ये कॉर्नफ्लावर का स्लरी बनाया है, इसे इसमें डालेंगे ताकि ये ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाए। इसे बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बोल लिया है, इसमें पहले 4 चम्मच मैदा डालेंगे। इससे ये 4 चम्मच मैदा और 4 चम्मच ही कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ये 4 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर डाला और इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च का डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि सॉसेज में भी नमक होते हैं, इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ।
अब इसमें पानी डालकर इसे थोड़ा थोड़ा करके इसे भून लेंगे। इसमें गोभी और आलू दोनों को डालेंगे, इसमें इसे डिप करेंगे, साथ ही ये आलू भी डाल देंगे। और इसे अब डीप फ्राई करेंगे। अब इसे तलने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रखा, इसमें मंचूरियन को तलेंगे और इसमें तेल डालेंगे। आप कोई भी रिफाइंड यूज कर सकते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका, अब इसमें गोभी और आलू दोनों को मीडियम फ्लेम पे ही डालेंगे। ये पोटैटो है, इसे भी मैं डाल रही हूँ। मंचूरियन पल के तैयार है, अब इसे दूसरी तरफ भी पलट देंगे ताकि ये थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन हो जाए। मंचूरियन रेडी है, अब इसे निकाल लेंगे और जो ग्रेवी हमने बना के रखा है उसमें इसे डालेंगे। ये देखिए कितना क्रंची ये बना है मंचूरियन। ये मंचूरियन देखिए कितना क्रिस्पी है, तैयार है। इसका साउंड सुनिए, कितना क्रंची साउंड आ रहा है ये। अब इस मंचूरियन को जो हमने मंचूरियन मसाला बना के रखा है उसमें इसे मिक्स करेंगे और इसे सिम पे 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि ये ग्रेवी इसके अंदर अच्छी तरह से सोक हो जाए। रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन क्रंची स्पाइसी घर में ही बनकर तैयार है, तो रेस्टोरेंट जाने की क्या ज़रूरत है। आप भी इसे घर में ही ट्राई करें, खुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं और फिर मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।